अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। मेरा नाम अबू ज़र खान है और आप लोग देख रही है टेक्निकल अबू ज़र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कि आप लोग थ्रेड ऐप का अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। आप लोग ने थ्रेड ऐप का जो अकाउंट है वो कैसे डीएक्टिवेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अबू ज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले थ्रेड्स ऐप को ओपन कर देना है और थ्रेड्स ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने नीचे जो प्रोफाइल वाला आइकन शो हो रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर आना है और प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर जो टू लाइन है तो आप लोगों ने इस टू लाइन पर क्लिक कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो टू लाइन थी वो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ फिर से एक नए इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ फिर से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने जो नंबर टू वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला नंबर वाला ऑप्शन है टेक अ ब्रेक और पे इसके बाद डीएक्टिवेट प्रोफाइल, तो आप लोग ने यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। डीएक्टिवेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर वांट टू डीएक्टिवेट योर थ्रेड्स प्रोफाइल और पेज के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डीएक्टिवेट थ्रेड्स प्रोफाइल। तो आप लोग इसको अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग के साथ ये डर है कि आप लोग का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डीएक्टिवेट या डिलीट ना हो जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दे विल नॉट अफेक्ट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। इसका मतलब है कि आप लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई असर इस पर नहीं होगा। आप लोग का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इस पर कोई असर नहीं होगा, तो आप लोग इसको ईजिली जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी इसके बाद दोस्तों, आप लोग के साथ एक और तरीका भी है, आप लोग इसको एक और तरीके से भी इससे जान छुड़ा सकते हैं। आप लोग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोग ने सिंपली इसको अनइंस्टॉल कर देना है। आप लोग ने कोई ऐप को डीएक्टिवेट नहीं करना है, अपने अकाउंट को वहीं पे छोड़ देना है। आप लोग ने यहाँ पर सिंपल इसको अनइंस्टॉल कर देना है अगर आप लोग को ये एप्लीकेशन जो है वो पसंद ना हो, तो आप लोग इस तरीके से भी इसे जान चुरा सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस, अगर आप लोग के साथ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग चाहते तो आप लोग वहाँ पर रब्ता करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।